छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में लोगों ने बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवाने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि यह स्थान जहां आज कचरा फेंका जाता है, यहां कभी नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले लगाए गए थे और इसे एक पार्क का स्वरूप दिया जा रहा था, परंतु कुछ विवादों के चलते यहां से झूले निकाल लिए गए। हालांकि इसकी सूचना लोगों द्वारा वार्ड पार्षद को दी गई, लेकिन वार्ड पार्षद के निष्क्रियता की वजह से इस जगह से निकाले गए झूले गायब हो गए और अब इस क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची है, जिससे क्षेत्र के बच्चे चलते रोड पर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हुए अपना मनोरंजन करते हैं। और तो और इस जगह के इर्द गिर्द लावारिस गाड़ियां भी खड़ी कर दी गई हैं। वार्डवासियों की मांग है कि इस खाली पड़ी भूमि पर बच्चों को खेलने के लिए पुनः एक पार्क का निर्माण कर दिया जाए, जिससे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर ना खेले। इसकी जानकारी लेने के लिए हमने भी वार्ड पार्षद को फोन पर संपर्क करना चाहा, परंतु उन्होंने फोन उठाने तक की जहमत नहीं की। इस खाली पड़ी जमीन को पास के बंद बड़े उत्तम टॉकीज के संचालक की बताई जा रही है, परंतु यह छवि ग्रह अब तक बंद हो चुका है। इस खाली पड़ी भूमि पर आसपास के लोगों द्वारा कचरा फेंक कर शहर की शोभा खराब की जा रही है। जरूरत है कि नगर प्रशासन द्वारा इस रक्त भूमि पर कोई ठोस फैसला जल्द लिया जाए। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। अभी आप बताएंगे यहाँ पे जो पार्क बन रहा था, यहाँ पे देखा गया था कि झूले वगैरह लगे हैं, कहाँ गए वो सब, क्या हुआ? वो सब पार्क नगर निगम वाले सब उखाड़ के ले गए। तभी क्या दिक्कत है? अभी तो यही है, बच्चे लोग यहाँ खेलने के लिए कोई साधन नहीं है, न पार्क है, न झूला है, न फिसलन पट्टी है। अब सब बच्चे लोग यहीं पे ऐसे बाहर खेलते रहते हैं, मतलब रोड में खेलते हैं, खतरे के। आज जहाँ पे झूला था, जहाँ पार्क था, वहाँ पे नगर निगम वाले सब उखाड़ के ले गए, अब वहाँ कचरा फेंक रहे हैं लोग। क्या चाह रहे हैं अभी इस जगह को लेकर? हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए कम से कम वहाँ झूला नहीं बन जाए, फिसलन पट्टी बन जाए, यही सब चाह रहे हैं, और क्या चाहिए। वार्ड पार्षद का क्या रिस्पांस रहता है? आप लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो क्या क्या करता है? वार्ड पार्षद को बोलते हैं लेकिन वो तो सुनता है नहीं, और यहाँ पे एक नल भी नहीं है पानी के लिए। बाहरी आदमी कोई आता है तो नल के लिए पानी नहीं मिलता उनको, बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। हम लोगों को पानी नहीं मिलता यहाँ पर, यही है पार्षद से मतलब, यही हमारा मतलब है कि यहाँ पर नल की व्यवस्था कर दें और ये झूला वगैरह यहाँ पे लगा दें, बच्चों खेलने के लिए कुछ पार्क वर्क बना दें। आपका नाम बताएंगे? मैं यहाँ गोपाल प्रसाद से हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।